सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। 3:x^4 इक्वल टू 4:x³। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको दो मेथड बताऊंगा और आपको जो पसंद है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पहली मेथड की, तो उसको वहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जब भी मैंने बहुत बार कहा है कि जब भी ऐसा कोई टर्म हमें फाइंड आउट करना हो जो किसी की पावर में, तो वहाँ पर हम लॉगरिथम का यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखिए लॉग 3:x^4 इक्वल टू लॉग 4:x³। अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर की पावर में जितने भी टर्म होगी वो आगे आ जाएगी। तो यहाँ पर x^4 आगे आ जाएगा पूरा, तो बचेगा लॉग 3 इक्वल टू यहाँ पर x³ आगे आ जाएगा, बचेगा इंटू लॉग 4। अब इस टर्म को मैं यहाँ पर लाऊँ लेफ्ट साइड पे, तो क्या होगा, x^4 इंटू लॉग 3 माइनस x³ इंटू लॉग 4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से अगर मैं x³ दोनों में कॉमन निकालूं, तो x³ इक्वल टू यहाँ पर बचेगा x इंटू लॉग 3 माइनस लॉग 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम x³ इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, राइट, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x इंटू लॉग 3 माइनस लॉग 4 इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों जीरो दोनों को मिलेगा, तो अगर x³ इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू ऑब्वियसली 0 आएगा, तो x की एक वैल्यू मिली हमें यहाँ पर 0। और यहाँ पर देखिए x इंटू लॉग 3 माइनस लॉग 4 है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, x इंटू लॉग 3 इक्वल टू लॉग 4 को यहाँ पर ले जाऊँगा राइट साइड, तो प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर हमें मिलेगी लॉग 4 डिवाइड बाई लॉग 3। और इस आंसर को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, कौन से, इसको लिख सकते हैं लॉग 4 बेस 3। मतलब यहाँ पर डिनोमीटर में जब भी लॉग में कोई वैल्यू आएगी तो उसको हम यहाँ पर बेस में भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों तरीके से हम इस आंसर को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम x की दो वैल्यू मिली, एक 0 और एक x इक्वल टू लॉग 4 बेस 3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। पर मैंने जैसा कहा, मैं आपको दूसरे भी मेथड बताऊंगा यहाँ पर, और उसकी मदद से भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं दूसरी मेथड लिखूँ, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं 3:x^4 इक्वल टू 4:x³, ठीक है। तो अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ 3:x उसकी पावर x³, राइट, क्योंकि पावर का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिखा, और यहाँ पर 4:x³। अब अगर ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, जब दोनों तरफ 1 आए, क्या यहाँ पर दोनों तरफ 1 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। कैसे, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो यहाँ पर 3:0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4:0 हो जाएगा। और जब भी किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो एक केस हो गया x इक्वल टू 0, जहाँ पर हमें दोनों की वैल्यू सेम मिलेगी। अब एक दूसरा केस लेते हैं इसी टर्म को, मतलब यहाँ पर 3:x है और x³ है इक्वल टू 4:x³ है। अगर यहाँ पर दोनों तरफ मैं पावर में 1/x³ से मल्टीप्लाई करूँ, इंटू 1/x³ और यहाँ पर भी इंटू 1/x³, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर बचेगा 3:x इक्वल टू यहाँ पर 4 बचेगा। अब मैं दोनों तरफ लॉग लूँ, ठीक है, लॉग 3:x इक्वल टू लॉग 4। तो अब क्या होगा, देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पर पावर में नंबर है तो वो आगे आ जाएगा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, x इंटू लॉग 3 इक्वल टू क्या होगा, लॉग 4। और लॉग 3 को यहाँ पर डिनोमीटर में ले जाऊँगा, तो x इक्वल टू क्या होगा, लॉग 4 डिवाइड बाई लॉग 3। और जैसा मैंने यहाँ कहा, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, लॉग 4 बेस में 3। तो ये दूसरा मेथड था, वहाँ से भी आंसर से हमें x इक्वल टू 0 और x की ये एक वैल्यू और मिलेगी। तो यार इन दोनों में से आप किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हो, बहुत ईजी मेथड है दोनों, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी था, सिर्फ आपको लॉगरिथम का अप्लाई करना था, ठीक है। अगर फिर भी आपको इसमें कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।